मैं लास्ट में फिर से समराइज कर देती हूँ। पहला सबसे महत्वपूर्ण टारगेट, कल से स्कूल को खोल दिया जाएगा। स्कूल का जो टाइमिंग है आपका वही टाइमिंग रहेगा। सबसे पहला इशू है कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए जो व्यवस्था है स्कूल में होनी चाहिए वो कृपया सभी जिले सभी स्कूल आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लें। हालांकि हमने लिखा है कि 15 तारीख से प्रवेश आरंभ होगा, लेकिन यदि आपका स्कूल जो हमने व्यवस्थाएं बताई है कि सैनिटाइजेशन करेंगे आप, सारी जो बच्चे हैं उनके लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, यदि उसमें आपको समस्या आ रही हो तो आप कल आफ्टरनून से भी शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप 10:30 बजे से प्रवेश शुरू करें, आप 3 बजे से प्रवेश करिए, लेकिन आपको उसके पहले अपनी विद्यालय की साफ सफाई और कोविड से संबंधित कोविड संक्रमण से बचाव के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उसको पूर्ण करना अनिवार्य होगा, तभी बच्चों को स्कूल के अंदर आने दे, बिना उसके बच्चों को स्कूल के अंदर न बुलाएं। तो सबसे पहला टारगेट है प्राचार्यों के लिए कि वो कोविड नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रेजेंट घोषित करेंगे 30 जून तक। तीसरी चीज, बच्चों की डिजिटल डिवाइस की मैपिंग करेंगे कि किस बच्चे के पास कौन सी डिजिटल डिवाइस है। चौथी चीज, करियर काउंसलिंग के बारे में प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। हम यहाँ से रेंडमली स्कूल्स को सिलेक्ट करेंगे और उनके प्राचार्य से वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से चर्चा करेंगे और हम बच्चों से पूछेंगे कि उनको करियर काउंसलिंग के बारे में किसी ने बताया है या नहीं बताया है। तो ये आप सबसे पहले सुनिश्चित करेंगे कि उन सभी बच्चों को करियर काउंसलिंग के बारे में पता हो। मध्य प्रदेश दूरदर्शन का किस चैनल पर प्रसारण होता है, डीटीएच पे या टाटा स्काई पे या एयरटेल पे, ये बच्चे को पता होना चाहिए ताकि बच्चा उस चैनल को खोलकर देख सके। जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप है उन सब के को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना अनिवार्य है, ये बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हम लोग आपको एक फॉर्म भी देने जा रहे हैं, उस फॉर्म पे आपने कितने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है और उसकी लिंक क्या है। जैसा आप लोगों ने पिछली बार भी देखा होगा कि हमने आप लोगों से हर एक स्कूल की लिंक मंगवाई थी और उस लिंक को यहाँ से जो हमारे ओआईसीज थे वो ज्वाइन करते थे और देखते थे कि आपके ग्रुप की क्या स्थिति है, वहाँ ग्रुप में कितने बच्चे हैं और आपके यहाँ एनरोलमेंट कितना है। तो उस तरह से सभी प्राचार्यों को ये बता दें कि वो पूरी तैयारी करके रखें, जब भी कोई उनसे बात करता है तो सही चीजें सही स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कार्यवाही हो जाए, सभी बच्चों को पता रहे कि व्हाट्सएप ग्रुप में कब क्या आने वाला है और दूरदर्शन पर क्या होगा, और जो प्रवेश हो रहे हैं उनकी जानकारी आपको नियमित रूप से भेजना है। इससे पहले कि हम इस वेबिनार को समाप्त करें, मैं एक चीज के बारे में और आपको बताना चाहूंगी, विशेष रूप से छात्रावासों के बारे में, जिसके बारे में हमारे प्रेजेंटेशन में भी कुछ नहीं था और हम अभी तक बात भी नहीं कर पाए। तो सभी लोग ये सुनिश्चित कर लें कि जो चीजें हमने विद्यालयों के लिए कही है उसी तरह की चीजें जो है वो छात्रावासों के लिए भी लागू होंगी। छात्रावास में प्रवेश तुरंत 15 तारीख से नहीं दिया जाएगा, सब निर्देश कल परसों तक जारी कर देंगे। छात्रावासों में प्रवेश 21 तारीख से शुरू किया जाएगा, 21 जून से शुरू किया जाएगा, लेकिन ये जो पूरा हफ्ता है इसमें छात्रावास को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जाएगा और बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए जो जो कोविड 19 से संक्रमण के बचाव के लिए जो जो व्यवस्थाएं होनी है वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कई छात्रावास ऐसे हैं जिनको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था या वहां पर
कोविड के पेशेंट्स थे, तो उन विद्यालयों उन छात्रावासों में हमको विशेष रूप से देखना होगा कि वहां पर हमने सैनिटाइजेशन की या जो सामग्री कोविड पेशेंट्स के द्वारा इस्तेमाल की है उस सामग्री की क्या स्थिति है। यदि वो सामग्री काम दोबारा काम में लाने लायक नहीं है तो आपको नई सामग्री की व्यवस्था भी करनी होगी। तो आप इस आधार पर अपने छात्रावासों का एनालिसिस कर लीजिए। हमने आपको 2 साल पहले जो राज्य बजट था उससे सभी को पैसा दिया था और ये अपेक्षित था कि वो अपने छात्रावासों में जो फोम वाले बड़े मोटे वाले गद्दे होते हैं वो खरीदेंगे। जिन छात्रावासों में वो गद्दे हैं वहां तो विशेष दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको सैनिटाइज किया जा सकता है, लेकिन जो रूई वाले पुराने गद्दे हैं हो सकता है उनका यदि कोविड पेशेंट्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया हो तो आप उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जहां जहां स्थिति हो वो कृपया हमको बता दीजिए तो हम आपको पैसा जारी कर देंगे, वहां पर आप दूसरे गद्दे खरीद सकते हैं। पर छात्रावासों को हमको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा साफ सफाई के दृष्टिकोण से। आप सभी छात्रावासों की बढ़िया साफ सफाई करवा लीजिए, पूरा सैनिटाइज करा लीजिए, अंदर बाहर सब दूर पुताई करवा लीजिए। अभी आपके पास 7-8 दिन है, 8 दिन में ये कार्यवाही आप पूरी कर लीजिए ताकि 21 जून से बच्चियां जो हैं बालिकाएं जो हैं वो प्रवेश लेने के लिए आ सके। हालांकि अभी हम छात्रावास में बालिकाओं को रखने के निर्देश नहीं दे रहे हैं, रखेंगे तब हम जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तब हम निर्देश देंगे कि कौन सी बालिकाओं को रखेंगे हम और कौन सी बालिकाओं को घर से निकट के स्कूल में जाना होगा, वो सब निर्देश हम बाद में देंगे। लेकिन जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम हमें छात्रावास देखती है कि उसको आप प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करा लें और जो जो कार्यवाहियां हमने अभी उसके लिए बताई हैं विद्यालय के लिए वो सारी कार्यवाहियां आवश्यक रूप से छात्रावास के लिए पूर्ण कर लें। जब आपकी आपका छात्रावास तैयार हो जाए पूरी तरह से उसके बाद हम बालिकाएं प्रवेश के लिए बुलाएंगे और हमको किसी भी हालत में छात्रावासों में भी जो प्रवेश है वो 30 तारीख तक ही पूरा करना है। तो छात्रावासों के लिए हम अलग से आपको निर्देश जारी कर रहे हैं, 2-1 दिन में आपको वो मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि आप ये व्यवस्थाएं प्रभा करके आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर ले। निश्चित रूप से जो स्थानीय स्तर की परिस्थितियां होती हैं उसके आधार पर अंततः निर्णय तो प्राचार्य को लेना ही होता है। यहाँ से जो भी दिया जा रहा है वो सुझावात्मक भी है और सबसे मिनिमम है कि मिनिमम इतना तो कम से कम हो ही जाए। बाकी स्थानीय स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निश्चित रूप से सभी को निर्णय लेना होता है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना समय दिया और जो आज का वेबिनार था उसमें जो बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं उनको आपने धैर्य से सुना और मैं आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं वो इस जो कार्य योजना अभी प्रस्तुत की गई है उसका क्रियान्वयन करेंगे और निश्चित रूप से हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा 15 दिन में कम से कम 100% प्रवेश सुनिश्चित हो जाए। और साथ ही जो प्रवेश हुआ है उसको आप सब लोगों को पता है कि समग्र शिक्षा वाले पोर्टल पर सभी बच्चों की प्रविष्टि भी करनी होती है, तो अभी सबके पास ये सुविधा उपलब्ध है। अगले साल के लिए व्यवस्था कर दी गई है, जो बच्चे 2021 में थे वो 2021-22 में उनको अंतरित किया जा सकेगा। तो आप सभी लोगों से ये भी अनुरोध है कि प्राचार्य जो हैं वो साथ के साथ समग्र शिक्षा पर भी विद्यार्थीवार अपडेशन आरंभ कर दें ताकि हम एक निर्धारित समय सीमा में प्रवेश का कार्य पूर्ण करके फिर बाकी चीजों पर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाए। सभी लोगों को धन्यवाद।